हेलो बच्चों लेट्स क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अ सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन विद अ ट्यूनिंग फॉक कीपिंग द टेंशन अप्लाइड सेम द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल ठीक है टेंशन को सेम रखते हुए हमने वायर की लेंथ को क्या कर दिया है डबल कर दिया है अब वो हमारा वायर के साथ रेजुनेस में ही हो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए वो आपको बतानी है तो देखिये हमें ये पता है कि जो सोनोमीटर की फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज गिवन वाय न्यूल्स टू एन अपॉन ट रूट ऑफ टी अपॉन म्यू जहां पर म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है टी आपका टेंशन है एन जो होता है नंबर ऑफ लूप्स होता है एल जो आता है लेंथ होता है ती आपकी सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है अब हमारे पास दो केस है केस वन में लेंथ जो है अगर केस वन की बात करूं मैं केस वन तो वहां पर लेंथ जो है हमारी वो एल है फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने मान ली है एन वन है जो नंबर ऑफ लूप है वो एन वन के बराबर है टेंशन टी है आपका और जो म्यू है वो तो सेम रहेगा मास पर यूनिट लेंथ ठीक है तो और जब मैं केस सेकेंड की बात तो केस फर्स्ट अगर ये है तो मेरा वी वन न्यू वन जो आएगा केस फर्स्ट के लिए फॉर केस फर्स्ट मेरा जो न्यू वन आएगा वो आएगा एन वन अपॉन टू एल टी अपॉन म्यू के बराबर आएगा ठीक है अब जब मैं केस सेकंड की बात करूंगी तो केस सेकंड में हमने क्या कर दिया है वायर की लेंथ को डबल कर दिया है तो केस सेकंड में हमारे पास क्या हो जाएगा इन केस सेकंड सपोज फ्रीक्वेंसी जो हो गई न्यू टू हो गई वो किसके बराबर हो जाएगी एन टू नंबर ऑफ लूप्स अपॉन टू इन ठीक है डबल कर दिया है रूट अपॉन न्यू कर दिया ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है फर्स्ट वाली इक्वेशन केस फर्स्ट में है सेकंड वाली केस सेकंड में है अब हमको ये बोला जा रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क जो है वो रेजोनेंस में है वायर के साथ मतलब फ्रीक्वेंसी जो है अभी भी क्या कर रही है मैच कर रही है मतलब न्यू वन को हमें न्यू टू के बराबर रखना है तो मैं क्या करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देती हूँ ठीक है इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड तो मेरे पास क्या बचेगा न्यू वन अपॉन न्यू टू जो आएगा बाकी सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी मेरे पास बचेगा एन वन इन टू टू अपॉन एन ये वाली चीज बचेगी अब न्यू वन और न्यू टू सेम है तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो वन इक्वल्स टू एन वन इन टू टू अपॉन एन तो एन टू जो मेरा आ गया वो कितना आ गया टू एन वन के बराबर आ गया इसका मतलब अगर मुझे ट्यूनिंग फॉर्क हमारी वायर के साथ रेजोनेंस में रहे और अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे नंबर ऑफ लूप्स उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा तो हमारा जो ट्यूनिंग फोर्क होगा वो रेजोनेंस प्रोड्यूस करेगा और इसका मतलब होता है इट रेजुनेट्स इन सेकेंड हारमोनिक ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ये सेकेंड हारमोनिक में अब रेजुनेट्स करेगा इन सेकेंड हारमोनिक ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू